भाई मैं एक ही बात कहूंगा, मन भारी है, मैं दरवाजे पर बैठूंगा और मेरे सिर पर हाथ धर के जा रहा हूं, ठीक है? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी कि बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आ गई। लंबे समय से इंतजार था, बहुत समय से इंतजार था, कैंडिडेटों को भी, मीडिया के लोगों को भी, मतदाताओं को भी, कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं को भी, जनता को भी, प्रशासनिक अधिकारियों को भी, सबको इंतजार था भारतीय जनता पार्टी की सूची आखिर कब आएगी। वो घड़ी आ गई बुधवार की शाम को जब भाजपा के 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट सार्वजनिक हो गई, उनके नाम टीवी और मीडिया पर रेंगने शुरू हुए, एक एक करके नाम आने शुरू हुए और नाम आने के साथ शुरू हो गई प्रतिक्रियाएं। और अब वो लिस्ट जारी हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि भारतीय जनता पार्टी से नेताओं का पलायन बड़ी तेज़ी से शुरू हो रहा है। आपने हिंदी फिल्म का एक गाना सुना होगा, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है। तो आप यही मान लें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर भी सावन की झड़ी की तरह झड़ी लग गई है जाने की, और जो उनके मन में कहीं दबी कुची बुझली बुझी हुई जो आग थी वो एकदम से ज्वाला बन गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भाजपा छोड़ने वाले नेताओं में लोग हैं, उनके अंदर कैडर्स बेस के नेता भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता माने जाते हैं। देश की राजनीति में कम्युनिस्टों के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्य, हालांकि बीजेपी के लोग कह सकते हैं, आरएसएस के लोग कह सकते हैं, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि सबसे बड़ा कैडर बेस जो वर्कर रहा है वो कम्युनिस्ट रहा है। और अगर नॉर्थ के अंदर आ जाएँ हम, क्योंकि कम्युनिस्ट का नॉर्थ में प्रभाव ज़्यादा नहीं है, अगर हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को सबसे अनुशासित पार्टी माना जाता रहा है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन की धज्जियां उड़ती हुई दिखी टिकटों की सूची जारी होने के बाद, और जिस प्रकार से नेताओं के बोल, हालांकि इस लिस्ट के अंदर अगर आप देखें, इसका अवलोकन करें, तो 67 सदस्यीय लिस्ट का अवलोकन आप 67 घंटे तक कर सकते हैं। हर एक कैंडिडेट के नाम के पीछे आपको तमाम कहानियां मिलेंगी, एक एक कैंडिडेट जिनका नाम घोषित हुआ उसके पीछे आप तमाम किस्से कहानियां ढूंढ सकते हैं। कहीं ये किस्सा आपको मिलेगा कि अमुक कैंडिडेट ने पार्टी छोड़ने की धमकी दे दी थी, अमुक कैंडिडेट पार्टी छोड़ने की धमकी दे चुका था, ये नेता ये कह रहा था कि अगर मेरे परिवार को टिकट नहीं मिली तो ये हो जाएगा, वो तमाम बातों से लेकर के और फिर भारतीय जनता पार्टी के कैडर तक, फिर परिवारवाद तक, फिर अगोड़े भगोड़े तक। 9 कैंडिडेट ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनमें से 6 ने तो अभी एक सप्ताह के अंदर ही भाजपा ज्वाइन की थी, जिनको टिकट मिल गया। खैर, मैं आपसे बात कर रहा था कि लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, तो आप इसे ये कह सकते हैं कि लगी आज नेताओं की फिर वो झड़ी है, भागने की सबको जल्दी जल्दी पड़ी है, एक लाइन से चलने शुरू हो चुके हैं। आप उन नेताओं में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर श्योराण ने पार्टी छोड़ दी, उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करणदेव कंबोज ने पार्टी छोड़ दी, कविता जैन कह रही हैं, आंसू भर करके कह रही हैं कि अगर मुझे टिकट नहीं दिया, अगर 2 दिन में पार्टी ने फैसला नहीं बदला तो चुनाव लड़ेंगे, लक्ष्मण नापा कैडर बेस वर्कर भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, विधायक थे रतिया से, उनका टिकट काट करके दुग्गल मैडम को दे दिया तो वो चले गए,
करणदेव कंबोज का मैंने आपको बताया ही, करणदेव कंबोज चले गए। जीएल शर्मा कह रहे थे कल, जीएल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, मैं उनका एक बयान सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि नौकरियों में तो मेरिट की बात की जाती है लेकिन टिकटों में मेरिट की बात नहीं हुई। सावित्री जिंदल ने ऐलान कर दिया आज, सावित्री जिंदल, अलग से आपको एक स्टोरी में बताऊंगा सावित्री जिंदल के बारे में सब कुछ। सावित्री जिंदल जो देश की सबसे अमीर पहली महिला हैं, देश की सबसे अमीर, और अगर टोटल अमीरों में मान लें, टोटल रईसों में मान लें, तो जो भारत के चार रईस हैं उनमें चौथा नंबर सावित्री जिंदल का है। सावित्री जिंदल ने भी हिसार में ऐलान कर दिया कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सावित्री जिंदल ने तो एक कदम आगे बढ़कर ये भी कह दिया कि नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य होंगे। नवीन जिंदल सावित्री जिंदल के बेटे हैं, सांसद हैं कुरुक्षेत्र से, कह दिया कि नवीन जिंदल होंगे, मैं तो प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ। हालांकि जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कि तो लोकसभा चुनाव से पहले हिसार के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गए थे और उन्होंने पटका पहनाया था भारतीय जनता पार्टी को, सावित्री जिंदल को, आपको मैं चित्र भी दिखा रहा हूँ। तो सावित्री जिंदल ने भी कह दिया कि इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। अगर मैं कनिष्ठ नेताओं की बात करूं तो प्रथला विधानसभा में दीपक डागर ने ऐलान कर दिया, उनका बड़ा नाम रेंग रहा था टिकट की लिस्ट के अंदर, उनका नाम बहुत चला था। भाई मैं एक ही बात कहूंगा, मन भारी है, मैं दरवाजे पे बैठूंगा और मेरे सिर पे हाथ धर के जा रहा हूं, ठीक है। और एक आदमी कम से कम 20 आदमी लाने हैं और हमें टिकट तो तुम्हारी गति है, मेरी नो गति, दीपक तुम्हारा मुझो और मेरा वो मुझो। एतवार के आ जाओ 10 बजे, जैसे कहोगे ऐसे करूंगा और आजीवन तुम्हारे चंदन में रहूंगा, खास जैसे आप करें या मैं तुमने करूंगा। आदरणीय आपका बेटा दीपक डागर, इन्होंने कहा था आने वाला दिन इतवार को गांव जाजरू में बजरंगबली का मंदिर, उसके पास एक पार्क है, सभी नौजवान साथियों से मात्र शक्ति, मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्गों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक हमारे मिलने वाले हमारे यार दोस्त जो भी है, जहां तक मैं सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आए और आकर के अपने बेटा का उत्साह बढ़ाए। और अभी तो ये शुरुआत है, तमाम नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों की बैठकें बुलानी शुरू कर रखी हैं। रंजीत सिंह चौटाला कह रहे हैं कि मैं भी छोड़ूंगा पार्टी को, अब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुला रखी है। इसके बाद में अगर आपसे कहूं तो विधानसभा क्षेत्रों के अंदर नेता जो जा रहे हैं, मुझे एक कांग्रेस समर्थक एक अग्रवाल वैश्य अग्रवाल नेता कल कह रहे थे कि पलवल विधानसभा के अंदर भाजपा समर्थक जो कार्यकर्ता हैं 160 की स्पीड से जा रहे हैं। हालांकि मुझे नेताओं की दौड़ की स्पीड नापने का पैमाना तो मेरे पास नहीं है और पैरामीटर में समझता नहीं कौन सा होता है, लेकिन उनकी बात को सुनकर मुझे एक बार हंसी भी आई थी और फिर जब देखा तो देखने पर लगा कि वाकई यही स्पीड उससे ज़्यादा भी हो सकती है। यानी कि जो मैं आपसे कह रहा था कि नेताओं के बीच जल्दी पड़ी है जाने की कि कौन पहले जाए, इसके मायने क्या हैं। टिकटें तो 2019 में भी बंटी थी, टिकटें तो 2014 में भी हुई थी, और 2009 के चुनाव से पहले तो खैर भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए जिस प्रकार से अब नेताओं के दरवाजे पर कतार थी टिकट लेने वालों की, तो मैं अगर ये कह दूं कि उस समय तक 2009 के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी के नेता जाया करते थे अपने कार्यकर्ताओं से कहने, भैया आप ले लो, भैया आप ले लो, भैया आप ले लो, और नेता होते थे कि कोई बीमारी का बहाना बना करके, कोई सिरदर्द का बहाना बना करके, कोई फाइनेंस का बहाना बना करके टिकट से बचते थे।
जी जरूर है कि 2009 के चुनाव के बाद जब 2014 में मोदी युग कहते हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी का, जब मोदी युग भारतीय जनता पार्टी में आया तो फिर कतार बढ़नी शुरू हो गई। मुझे ध्यान है 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद महेंद्रगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री जो आजकल के हैं उस समय नहीं थे, अमित शाह की वो रैली महेंद्रगढ़ में वो रैली हुई थी जिसके अंदर की कतार लगा करके तमाम दूसरी पार्टियों के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए ललायित थे। तमाम नेता वहाँ पर, कई पूर्व विधायक, कई पूर्व मंत्री, कई बड़े नेता, पार्टियों के पदाधिकारी तमाम वहाँ पर लाइन लगा करके थे। उस दिन बम्पर ज्वाइनिंग हुई थी, 44-45 तो XMLAs थे उसके अंदर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अमित शाह जी ने पटका पहनाया और आज वो दिन आ गया कि जब नए आने वाले तो छोड़ो, अपने पुराने जो मैंने आपको नाम बताए, खासकर जो करण देव कंबोज का भाजपा के वो कैडर बेस कार्यकर्ता हैं, अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि वो लगभग एक सदी से भाजपा की और उनकी विचारधारा मिलती है। उसके बाद अगर चले, मैं आपको बताऊं, करण देव कंबोज रदौर से टिकट चाहते थे, अगर वहाँ ना मिले तो फिर उनका था कि उनको टिकट मिल जाए इंद्री से, बात कहीं नहीं बनी तो करण देव कंबोज को पार्टी छोड़नी पड़ी। करण देव कंबोज इस बात से गुस्सा हैं कि वो कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं को ले करके टिकट दिया गया जिन्होंने पार्टी से गद्दारी की। सीधे नाम तो नहीं कह रहे, वो इशारों इशारों में इशारा श्याम सिंह राणा की तरफ है, इशारा श्याम सिंह राणा की तरफ है उनका। अब अगर मैं अगली बात करूं तो कविता कह रही है, कविता जैन आज वो सुबक रही थी, उनकी जो वीडियो वायरल हो रही हैं और वो सुबकते हुए कह रही थी कि मेरे साथ पार्टी ने ठीक नहीं किया। सावित्री जिंदल के आप सुने तो उनकी अलग व्यथा है। मैं जैसे आप लोग कहोगे मैं आप लोगों की बात मानने को तैयार हूँ। अभी ये शुरुआत है, अभी ये कितनी लंबी लिस्ट बनेगी, कितने लोग जाएंगे, क्योंकि जो हवाएं आ रही हैं वो तो ये संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ऐसी एकदम से जैसे जवार भाटा आ जाता है उस तरीके से, या सुनामी आ जाती है और लोग आने जाने शुरू होते हैं, लोग अपना पलायन करते हैं किसी अच्छे स्थान की तलाश में।
तो उसी प्रकार से अब ये सिस्टम चल रहा है। जितनी तेजी से नेताओं के जाने की बात आ रही है, इससे तो लगता है कि जैसे एंटी इनकम्बेंसी जो भारतीय जनता पार्टी की रही है 10 साल की, उसका सारा प्रभाव है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या 2024 का चुनाव, विधानसभा चुनाव, हरियाणा की राजनीति का एक और टर्निंग पॉइंट होगा? आपको क्या लगता है कि इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से सत्ता में है, अपनी सत्ता बचाने में कामयाब होगी या फिर स्थिति खराब होगी? और आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से अगर नेताओं का पलायन हो रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो फिर हरियाणा के चुनाव में क्या होगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।